ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि अभी सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जब हमें लगता है कि अभी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, जब हमें लगता है कि मैं अब ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा। उस समय कुछ बातें आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है और जिन बातों को आज हम डिटेल में रिकवर करने वाले हैं, जानने वाले हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि जो आपने गलती की है, जो आपको फेलियर लाइक आपको मिला है लाइफ में, ज़िंदगी में, तो वो क्या आपकी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी आपकी लाइफ में? वो क्या लास्ट चांस था आपकी लाइफ का? इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? ये अपने आप से पूछना है आपको। हमारी ज़िंदगी एक प्लेयर की तरह होती है और अपॉर्चुनिटी एक बॉल की तरह होती है। जब एक बॉलर लाइफ में जैसे बॉल डालता है ना, प्लेयर जब मतलब बॉल को मारने के लिए बढ़ता है तो वहाँ पर अगर कोई बॉल स्किप हो जाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्लेयर वहाँ पर खेलना छोड़ देगा। वहाँ पर प्लेयर कभी भी खेलना नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में होता है कि हम अगर कहीं पर हमें लगता है कि हम फेल हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं हमारी लाइफ में, तो हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी लाइफ की, ये लास्ट चांस है हमारी लाइफ का। वहाँ पर हमें रिग्रेट नहीं करना है ज़्यादा। वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम देयर एंड देन वी हैव टू कीप स्टार्टिंग अगेन। वहाँ पे हमें रिग्रेट नहीं करना है और कंटिन्यू करना है जो भी हम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी होती हैं बहुत कुछ करने के लिए, तो हमने पॉजिटिव साइड में रहना है, पॉजिटिव साइड में जाना है, उस चीज़ को ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बस अपने आप से ये पूछो कि ये अपॉर्चुनिटी लास्ट थी, ये जो चांस आपको मिला है वो लास्ट था क्या? इससे आगे आपकी लाइफ नहीं है क्या? इससे आगे आपकी ज़िंदगी नहीं है? दैट थिंग यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। अब वहीं पर सेकंड पॉइंट आ जाता है लाइक कि चलो वहाँ पे हमने सोच लिया, मान लो हमने सोच लिया लाइक कि चलो जो भी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, बहुत कुछ अभी लाइफ में करने के लिए, हम अभी अगेन लाइक वी कैन स्टार्ट समथिंग। तो वहाँ पर एक और ऑप्शन ये होता है हमें अपने फेलियर से सीखने का। एक जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमने फेस की है, जो गलत हमारे साथ हुआ है, वहाँ से सेकेंड पॉइंट हम ये सीख सकते हैं, थिंक व्हाट योर फेलियर टॉट यू। आपका जो पास्ट था, जहाँ पर आपने गलतियाँ की, जहाँ पर मिस्टेक की, वहाँ पर आप ज़्यादा रिग्रेट लाइफ में अगर करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी अगेन। तो हमेशा वी हैव टू मेक अवर फोकस ऑन लर्निंग कि हमारे जो पास्ट में हमसे गलतियाँ हुई तो वहाँ पर हमने अगेन क्या सीखा, दैट थिंग वी डोंट हैव टू डू अगेन, वो चीज़ हमने दोबारा से नहीं करनी है। सो उस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में वहाँ से रिकवर कर पाएंगे। अब एक और बात यहाँ पर काफ़ी लाइक हमें जो है डिस्ट्रैक्ट करती है, तो वी हैव टू क्लैरिफाई अवर डिस्ट्रैक्शंस। आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो लाइक डिस्ट्रैक्ट करती हैं वहाँ पर, तो उन चीज़ों को आप क्लैरिफाई करो। आपको सोशल मीडिया पर लाइक फेसबुक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको लाइक अनयूजुअल जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर उन चीज़ों को आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि आप लाइक कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर अपने टाइम की लाइक वेस्टिंग कर रहे हैं, कहाँ पर अपने आप लाइक वैल्यूएबल टाइम को आप कहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। सो उस टाइम को आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से आप निकलिए, अगर लाइक अगर आपको लगता है कि लाइक आपको आज जो टाइम है वो गलत जगह पर अनयूजल थिंग में लाइक आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो वहाँ से आप मूव ऑन कीजिए एंड देन स्टार्ट समथिंग न्यू, बड़ा कुछ लाइफ में करने के लिए। तो आप इस तरीके से अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप वहाँ से रिकवर कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ को अगेन स्टार्ट कर सकते हैं। सो होप यू गाइज के वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।